अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सनम है और मैं मुर्शिद हॉस्पिटल में एज अ ऑप्टोमेट्रिस्ट काम कर रही हूँ। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है एम्ब्लायोपिया, जिसे हम लेज़ी आई या सुस्त आँख भी कहते हैं। ये आँखों की ऐसी कंडीशन होती है जिसमें बेसिकली पर्दे में कोई बीमारी नहीं होती है, ना ही पीछे से कोई बीमारी होती है। बस इसमें यह होता है कि आँख प्रॉपर जिस तरह से बननी चाहिए उस तरह बनती नहीं है। मतलब दिमागी कमज़ोरी आप कह लें, या पैदाइशी जिस तरह डेवलपमेंट पीरियड में जिस तरह नज़र बनती है उस तरह बन नहीं पाती, जिसकी वजह से ये होता है कि नज़र कुदरती तौर पर जो है कम हो जाती है, सुस्त हो जाती है। मोस्टली ये एक आँख में होती है, बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि दोनों आँखों की नज़र कम हो जाती है। इसमें अगर हम चश्मे का नंबर लगाएँ, कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाएँ, लेज़र करें, कुछ भी करें, उससे जो है ना हमें इम्प्रूवमेंट नहीं मिल रही होती विजन में। इसीलिए हम कहते हैं कि आप बच्चों का जो है आप चेकअप करवाएं हर 6 महीने से, जैसे पैदाइश के बाद भी आप करवाएं चेकअप स्क्रीनिंग उनकी, और हर 6 महीने में करवाते रहें, ताकि एक पॉइंट पे जब भी हमें ऐसा फील हो कि एक आँख में नज़र कम है तो उसकी हम उसी वक्त जो है वो ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा दें। दूसरी चीज़, इसमें बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, जैसे कि अगर चश्मे का नंबर आ रहा होता है लोगों का, बाज़ औक़ात लोग ऐसा करते हैं कि वो पहनते नहीं हैं ग्लासेस, बहुत सारे लोग अवॉइड कर देते हैं। अगर इस ऐसी सिचुएशन में अगर उनकी एक आंख में नज़र कम है और उन्हें फील नहीं हो रहा होता, क्योंकि दूसरी आंख में नज़र इतनी होती है कि 6x6 विजन उनकी होती है, उन्हें सारी चीज़ें सही सही नज़र आ रही होती हैं, लेकिन मसला ये होता है कि जो दूसरी आंख होती है अगर उसे हम ऑक्लूड करें या बंद करें तो फिर उनको फील होता है कि हमारी नज़र कम है। जब आप चेकअप करवाने जाते हैं तो हमेशा यही होता है कि आपकी एक आंख बंद करवा के दूसरी आंख की नज़र चेक करवाई जाती है। वो बेसिकली इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए कि आपकी दोनों आँखों में नज़र इक्वल है या खुदा न खास्ता एक आँख में कम हो गई है। अगर कम है तो बहुत सारे लोगों का माइनर सा नंबर आ रहा होता है भी, लेकिन वो पहन नहीं रहे होते। इससे ये होता है कि जो हमारी अच्छी आँख होती है वो और ज़्यादा अच्छा देखना शुरू कर देती है, लेकिन जिस आँख में हल्का सा नंबर है या वो सुस्त है पहले से ही वो मज़ीद सुस्त होना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि दिमाग उस चीज़ को उस तरह से प्रेफरेंस नहीं दे रही होती। जो गुड आई होती है उससे हम अच्छा देख रहे होते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं जिनमें स्क्विंट है, सपोज टेढ़ापन है। टेढ़ेपन की वजह से ये होता है कि जिस आँख में टेढ़ापन है उसमें नज़र कम होती चली जाती है, क्योंकि वो स्ट्रेट नहीं है, एक आँख स्ट्रेट देख रही है और एक आँख टेढ़ी हो चुकी है, तो उसमें भी नज़र कम होती चली जाती है। तो ये बेसिकली एम्ब्लायोपिया होता है, जिसमें नज़र पीछे से कुदरती तौर पर कम होना शुरू हो जाती है। इसकी ट्रीटमेंट में हम ये करते हैं कि हम पैचिंग थेरेपी स्टार्ट करवाते हैं बच्चों में, वो हम एज के हिसाब से देते हैं, जितनी एज होती है हम उसमें ये करते हैं कि जो बच्चे की या जो भी पेशेंट होता है उसकी जो गुड आई होती है उसको हम बंद करवा देते हैं, यानी कि जो अच्छी आँख है जिससे उसे अच्छा नज़र आ रहा है उसे हम पैच करवा देते हैं, बंद करवा देते हैं, और उसकी जो लेज़ी आई है उसे वर्किंग में लाना स्टार्ट कर देते हैं। ये एक बहुत ही इफ़ेक्टिव मेथड होता है, क्योंकि ग्लासेस की वजह से वो उसमें इतनी इम्प्रूवमेंट नहीं आती है कि जस्ट हम नंबर दे दें तो, क्योंकि उसमें ऑलरेडी नज़र कम हो चुकी है। अब उसमें हम ये करते हैं उसे वर्किंग में लाने की कोशिश करते हैं, ताकि दिमाग से उसे सिग्नल्स मिलें, वो चीज़ों को देखे, उसे स्टिमुलेशन मिले उस आँख को। इसीलिए हम गुड आई बंद कर देते हैं और जो लेज़ी आई है उससे हम काम करवाना शुरू कर देते हैं। ये हम एज के हिसाब से देते हैं, यानी जितनी बच्चे की एज होगी उसी के हिसाब से हम घंटे रखते हैं कि आप पेरेंट्स को समझाते हैं कि आप इतने घंटे इसकी आँख बंद रखेंगे, अच्छी वाली आँख बंद रखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि समझ नहीं पाते लोग, और जो जब ख़राब उसी को बंद कर रहे हो तो उससे तो वो मज़ीद ख़राब हो जाएगी। जो अच्छी वाली आँख है उसे बंद करवाना होता है, वो हम एज के हिसाब से डिसाइड करते हैं कि 4 घंटे बंद करवाना है, 6 घंटे बंद करवाना है। और अभी तो मज़ीद रिसर्चेस ये कहती हैं कि हम फुल डे थेरेपी भी दे सकते हैं, लाइक सुबह उठे बच्चा उसकी आँख हम बंद कर दें अच्छी वाली और रात को सोते वक्त ही उतारें। इससे ये होगा कि लाइट स्टिमुलेशन दूसरी आँख को मिलेगी नहीं, इसीलिए मजबूरन जो है ना वो जो लेज़ी आई है वो वर्किंग में आ जाएगी। तो ये इसका बहुत इफ़ेक्टिव मेथड है। इसके लिए यही है मैसेज मेरा कि आप हर 6 महीने में बच्चों का स्पेशली, जब भी बच्चे पैदाइशी भी, बहुत सारे लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि हम 1 महीने के बच्चे को कैसे चश्मा पहना सकते हैं, वो उन्हें भी पहना सकते हैं, क्योंकि वो बेसिकली उनकी डेवलपिंग एज होती है जिसमें नज़र बन रही होती है। बहुत सारे पेशेंट 30 साल की उम्र में 40 साल की उम्र में आते हैं, उनके साथ ये कंडीशन होती है क्योंकि बचपन में उन्होंने चश्मा पहना नहीं हुआ या थेरेपी नहीं करवाई हुई होती, तो वो आँख एज के साथ साथ बिल्कुल ही उस आँख में विजन कम हो जाती है और वो सिर्फ अपनी एक ही आँख से देख रहे होते हैं।
तो अगर आप टाइम से उस चीज़ का चेकअप करवाते हैं, हम पैचिंग थेरेपी टाइम से स्टार्ट करवाते हैं, तो ये है कि उसमें विजन बेहतर होने के चांसेस हैं। और बहुत सारे केसेस में विजन बेहतर हुई हैं, 6x6 हुए हैं पेशेंट्स। बस ये है कि आपने पैचिंग थेरेपी या ग्लासेस जो भी हैं आपने प्रॉपर उसका चेकअप करवाना है हर 6 महीने में बच्चों का स्पेशली। और घर में भी अगर आप नहीं भी जा रहे तो आपने बच्चों से ये कहना है कि आप अपनी दोनों आँख बंद करवा के बच्चों से पूछते रहें कि खुदा ना खासा किसी एक आँख में उनकी नज़र कम तो नहीं हो रही है, ताकि आप अर्ली ट्रीटमेंट उस चीज़ का करवा सकें। अगर आपने चेकअप करवाना हो तो मुर्शिद हॉस्पिटल में हमारी आई ओपीडी की टाइमिंग्स है 9 to 5 PM, जिसमें हम मौजूद होते हैं। आप अपने बच्चों को ला सकते हैं, आँखों का चेकअप करवा सकते हैं टाइम से। साइक्लो रिफ्रेक्शन भी यहाँ पे मौजूद है, जो हम करते हैं बच्चों में। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी आइंदा प्रोग्राम के लिए। अल्लाह हाफिज़।